नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क लग्न की, और सितंबर महीने का राशिफल हम जानने की कोशिश करेंगे कि कर्क लग्न वालों के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां हैं। पहले हम गोचर की बात करते हैं, तो मंगल जो है वृषभ राशि में पूरे ही महीने स्थित रहने वाले हैं, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं है। बुध है कन्या राशि में पूरे ही महीने रहेंगे। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके तृतीय भाव में। शुक्र जो है 24 सितंबर तक सिंह राशि में, यानी कि 24 तारीख तक सेकंड हाउस में, उसके बाद तृतीय स्थान में आएंगे। बुध जो है वक्री हो रहा है 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, यानी कि ऑलमोस्ट 23 डेज के लिए बुध वक्र अवस्था में आएंगे। तो ये क्या परिस्थिति क्रिएट करेंगे, ये भी हम आज उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कर्क लग्न वालों के लिए क्या परिस्थिति है। कर्क लग्न और लग्न का स्वामी होता है चंद्रमा, जो हर रोज अलग अलग नक्षत्र में भ्रमण करते हैं। मगर लग्न के ऊपर किस चीज का इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो शनि जो है सप्तम दृष्टि आपके केंद्र पे कर रहे हैं, और गुरु की एक दृष्टि आपके लग्न पर है, और शनि और गुरु दोनों ही वक्र अवस्था में है। तो यहां पर मैं कहूंगी कि गुरु की जो दृष्टि है वो इतनी कहते हैं ना कि अमृत समान है आपके लिए। तो आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए आपके सेंस ऑफ ह्यूमर में भी बढ़ोतरी है, आपके कार्य में बढ़ोतरी है, प्लस डिसीजन मेकिंग काफी प्रॉपर रहेगा। शनि की दृष्टि होने की वजह से कुछ मन में एक दुविधा क्रिएट होगी कि कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मगर गुरु के वजह से मैं कहूंगी कि कोई भी डिसीजन परिवर्तन से कनेक्टेड हो या कोई भी बदलाव करने की परिस्थिति हो, तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि गुरु डिसीजन मेकिंग में काफी स्ट्रांग बनाएगा आपको, और पहले जो परिस्थितियां थी उसमें आप काफी असमंजस की स्थिति में थे, मगर यहाँ पर फाइनेंशियल गेन और आपकी जो कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ बढ़ती हुई मुझे नजर आती है। कार्यस्थल पे भी आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा, चीजों के अंदर एक तरह से काम के अंदर काफी अच्छी वृद्धि होती हुई मुझे नजर आती है, क्योंकि शनि भी एक तरह से आपको डिसिप्लिन सिखा रहा है। जो बहुत समय से आप जितना फोकस्ड होकर कार्य नहीं कर रहे थे, मगर यहाँ पर गुरु की दृष्टि की वजह से डिसीजन मेकिंग भी बहुत अच्छा होता है। आपके मन के अंदर एक पॉजिटिविटी भी ये क्रिएट कर रहा है, तो एक बहुत ही अच्छी परिस्थिति मैं कहूंगी। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय स्थान में सूर्य शुक्र का एक योग बन रहा है। सूर्य 17 तारीख तक यहाँ पर है और शुक्र जो है 24 तारीख तक है, और मंगल की एक दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ती है। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगी सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर फाइनेंशियल गेन की बात की जाए, सेविंग्स के अंदर बढ़ोतरी है, और फाइनेंशियल गेन की बात करते हैं तो यहाँ शुक्र जो है सिंह राशि में बहुत ही अच्छी स्थिति में है, आपको फाइनेंशियली काफी अच्छे गेन देता है, और मंगल की दृष्टि होने की वजह से सेविंग्स को एक सही डायरेक्शन आप दे पाएंगे। एक तरह से मैं फाइनेंशियली तो बहुत अच्छा है परिस्थिति आपके लिए, पर सूर्य यहाँ पर जब तक रहेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 17 तारीख तक, तो वहां पर छोटे छोटे क्लैशेस जो फैमिली के अंदर होते हैं वहां पर ये संभावनाएं बहुत ज्यादा, यानी कि आप कोई भी प्रॉपर्टी से कनेक्टेड मैटर हो या कोई भी ऐसी चीज को सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर क्लैशेस होने की संभावनाएं बनती है। और यहाँ मैं कहूँ कि वाणी बहुत ज्यादा कटु हो जाती है, इंसान को कभी कभी वो कुछ ऐसे शब्द कह जाता है कि जिससे बहुत बड़े क्लैश हो जाते हैं। तो हो सके तो अपनी वाणी पर संयम रखिएगा, ये वाणी आपके प्रेजेंटेशन में कार्यस्थल के अंदर आपको बहुत अच्छे परिणाम दे रही है। तो मेरे हिसाब से कहूँ कि फाइनेंशियल गेन के लिए बहुत अच्छा है, वाणी कार्यस्थल में आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, मगर फैमिली मैटर को थोड़ा सा संभल के चलिएगा, वहां पर वाणी खराब होने की संभावनाएं ज्यादा बनती है, और 17 तारीख तक ये स्थितियां डेफिनेट बनती है, क्योंकि
क्योंकि यहाँ शुक्र के ऊपर और सूर्य पे मंगल की भी दृष्टि पड़ती है, तो वहां पर ये संभावनाएं बनती है। तो हो सके तो कोई भी ऐसा मैटर हो तो उसमें पढ़ने से खुद को बचा के रखिएगा। थर्ड हाउस की बात करते हैं। थर्ड हाउस में बुध जो है वक्र अवस्था में आएंगे 10 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक, तो ये क्या परिस्थिति करेंगे? तो मैं कहूँ कि कोई भी नया इनिशिएटिव है जो काफी समय से आप नहीं ले पाए तो अब ले पाएंगे, कोई नया डिसीजन है लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा 17 तारीख के बाद, तो ये और भी अच्छा है। कोई अथॉरिटेटिव पोजिशन पे आप कार्य कर रहे हैं तो वहां आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। मेरे हिसाब से कोई भी कार्य आप करते हैं तो वहां पर आपको फाइनेंशियल गेन देता है ये। और सूर्य बुध का योग जो है तो आपको सपोर्ट प्राप्त होगा चीजों में। आप जो भी कार्य करेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अगर कोई बिजनेस में हैं ऑलरेडी तो उसके अंदर आपके लिए काफी अच्छी बढ़ोतरी है। अगर जॉब कर रहे हैं तो वहां पर भी आपके लिए काफी अच्छे फाइनेंशियल गेन बनते हुए मुझे नजर आते हैं। ये सूर्य बुध की युति और गुरु सामने होने की वजह से मैं कहूँ कि बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए, अगर बैंक के अंदर अंदर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए मैं कहूँगी कि 17 तारीख के बाद की परिस्थितियाँ और भी अच्छी है। कंसल्टिंग रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, आईटी प्रोफेशन है तो बहुत अच्छा है आपके लिए यहाँ पर। और टीचिंग सेक्टर वालों के लिए भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप का कार्यस्थल में आपका एक लेवल आगे बढ़े, और वहां पर जैसे आप कोई जर्नलिज्म का कार्य करते हैं, मीडिया से कनेक्टेड हैं तो भी बहुत अच्छा है, टूरिज्म का काम करते हैं तो भी उन लोगों के लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ स्थान की। चतुर्थ स्थान का स्वामी शुक्र बनकर सेकेंड हाउस में और केतु वहां पर ऑलरेडी स्थित है। केतु थोड़ा मन में डिटैचमेंट लेकर आता है, स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बनती है। दूसरी चीज मतलब कि यहाँ जहां रह रहे हैं वहां से थोड़ा डिटैचमेंट आता है व्यक्ति को, और अगर कोई भी प्रॉपर्टी मैटर है तो वहां पर एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है या कोई हेरिडिटी के अंदर आपको कोई प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि आपका चतुर्थेश जो है सेकेंड हाउस में है, वहां से आपको फाइनेंशियल गेन भी होता हुआ मुझे नजर आता है। मगर बहुत शांति से मैटर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी परिस्थिति छोटे छोटे क्लैशेस हो सकते हैं उस चीज से संबंधित। अगर शांति से बात करेंगे तो फिर आपको कुछ संभावनाएं बनती है कि आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट हो। माता के स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी चिंताएं हो सकती है, और मदर के साथ छोटे मोटे क्लैशेस होने की संभावनाएं बनती है यहाँ पर। मगर कहती हूँ ना कि गुरु आपका जो लग्न को देखता है तो चीजों को बैलेंस कर देता है, और कहीं ना कहीं आपको कैसे चीजों को हैंडल करना है उसकी क्षमता भी आपको डेफिनेट प्राप्त होती है। यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की बात की जाए तो देखिए ये कार्य तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा की बात नहीं है। मगर यही है कि डॉक्यूमेंटेशन को काफी करेक्ट रखिएगा, यानी कि बुध वक्रवस्था में होने की वजह से डॉक्यूमेंटेशन के अंदर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो उसको 2 से 3 बार चेक कर लीजिएगा। और यहाँ मन की अवस्था ऐसी है कि जहाँ डिसीजंस लेने में थोड़ा प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर थोड़ा डीलेस हो सकते हैं, मगर फिर भी फाइनेंशियली आपको काफी फायदा है। बस आपको क्लैशेस से दूर रहना है इस मैटर में। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव का अधिपति मंगल होकर आपके 11वें स्थान में है तो बहुत अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि ये खुद के ही घर को देखता है, तो जो भी स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए एक तरह से मैं कहूँ कि बहुत अच्छा है। अगर टेक्निकल लाइन के अंदर है या कोई भी आईटी के अंदर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मेडिसिन के अंदर है, डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर्स के लिए। मेडिसिन में जो जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो
आर्मी या पुलिस के अंदर एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि ये डिफेंस के अंदर भी अच्छा कार्य करता है, तो उनके लिए काफी पॉजिटिव समय मैं कहूंगी जो भी स्टूडेंट हैं। और यहाँ एक तरह से शेयर मार्केट की बात की जाए, नुकसान की स्थिति नहीं है, पर थोड़ा कैलकुलेटिव होकर चलना चाहिए आपको। और अगर आप एक तरह से कहा जाए कि आपके संतानों के साथ आपके छोटे मोटे क्लैशेस होते हुए नजर आते, क्योंकि मंगल बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और वो मंगल आपके पंचम भाव को देखते हैं और खुद के जब भी वृश्चिक राशि है बहुत ही कहते हैं ना कि अग्रेशन में आ जाते हैं इस चीज में लेके, तो छोटे मोटे बातचीत में विचारों में मतभेद हो सकते हैं, मगर बहुत ज्यादा घबराने वाली स्थिति नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजिशन है मंगल के लिए। और एक तरह से आप इवन संतान की इच्छा चाहते हैं, यानी कि आप संतान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी बहुत ही फेवरेबल समय है, कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है। सिक्स हाउस की बात कर रहे हैं, सिक्स हाउस का स्वामी गुरु बनकर वक्र अवस्था में है, तो यहाँ पर एक मंगल की भी दृष्टि आपके सिक्स हाउस पर पड़ती है। तो सिक्स हाउस एक तरह से कोई भी प्रकार का लोन अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपको इजीली प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा, लोन लेते हैं तो एक तरह से मेरे हिसाब से काफी कैलकुलेटिव होकर लिया जाए, तो कोई प्रॉब्लम वाली स्थिति नहीं है, शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। हेल्थ की बात की जाए तो कोई भी प्रकार का मैं कहूँ कि आपका ओबेसिटी बढ़ने से कनेक्टेड या थायराइड से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि लोगों का वजन काफी बढ़ जाता है ऐसी स्थिति में, तो वहां पर आपको थोड़ा सा संयम बना के रखना होगा और एक रेगुलर रूटीन जो है उस लाइफ को आपको पकड़ के चलना होगा। सेवेंथ हाउस की बात करते हैं, सप्तम भाव में शनि वक्र अवस्था में है। यहाँ मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जो मैरिज करना चाहते हैं तो लग्न पे गुरु की दृष्टि है और शनि वक्र अवस्था में है, तो शादी होने की संभावना, यानी कि आप उस चीज को लेके काफी सीरियस होके सोचेंगे, और अगर इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये परिस्थिति आपको सपोर्ट देती है, क्योंकि वक्र अवस्था का शनि है तो अब वो डिसीजन तक व्यक्ति को पहुंचाता है। और ऑलरेडी मैरिड है तो थोड़ा सा विचारों में मतभेद होने की संभावनाएं बनती है, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि पति पत्नी का पॉइंट ऑफ व्यू काफी डिफरेंट रहता है और छोटी छोटी चीजों के अंदर वो कहते हैं ना कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, और कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है मगर फ्लेक्सिबिलिटी इशू हो सकता है, यानी कि वो एक दूसरे के हिसाब से कार्य नहीं कर सकते और वो वहां पर थोड़े से विचारों में मतभेद आने की संभावना बनती है। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो बहुत अच्छा है, अगर आप कंस्ट्रक्शन में हैं तो बहुत अच्छा है, आप कोई भी ऑयल का बिजनेस करते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन के मटेरियल का बिजनेस करते हैं, कोई भी अथॉरिटेटिव पोजिशन पे कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी परिस्थिति है, कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है, मगर अगर कोई भी प्रकार का ऐसा क्लैश होता है तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक वक्र अवस्था का शनि बिजनेस के अंदर काफी अच्छे गेंस देता है, मगर व्यक्ति कभी कभी जिद्दी बन जाता है छोटी छोटी चीजों में, तो ये चीजें रहेंगी तो उसमें कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली स्थिति नहीं है। एट्थ हाउस की बात करते हैं, एट्थ हाउस खुद से ट्वेल्थ और वापस शनि वक्र अवस्था में है, तो यहाँ पर रिसर्च के अंदर आपको कहूँ कि मेरे हिसाब से कंफ्यूजन हो सकते हैं रिसर्च से कनेक्टेड, बाकी मेडिसिन वालों के लिए तो यहाँ पर बहुत अच्छी परिस्थिति है। कुछ आपका इंटरेस्ट जो है यहाँ मुझे लगता है कि मंत्र साधना की तरफ ज्यादा रहेगा, यानी कि आप कुछ ऐसे रिसर्च भी करेंगे, इन चीजों के अंदर इंटरेस्ट बढ़ता है, बुक रीडिंग की तरफ इंटरेस्ट बढ़ता है, मगर शुक्र की दृष्टि जो एट्थ हाउस के है, इंसान को काफी शौकियाना चीजों की तरफ वो इंटरनली चला जाता है, और सूर्य की भी दृष्टि है, तो
आप अगर आर्टिस्टिक चीजों से कनेक्टेड कोई भी कार्य करते हैं, आर्किटेक्चर में है या कोई डिजाइनिंग का कार्य करते हैं, तो उसमें अच्छा रिसर्च कर पाएंगे, उसमें बहुत कहते हैं ना कि डिटेल वर्क कर पाएंगे हर चीज में, तो वो एक पॉजिटिव चीज है आपके लिए। नाइन्थ हाउस की बात करते हैं, नाइन्थ हाउस के अंदर गुरु वक्रवस्था में, इसकी एक बात करूं कि अगर टीचिंग सेक्टर के अंदर है या कोई भी टीचिंग का कोर्स करना चाहते हैं आप, इवन कोई भी एक तरह से कहो ये वक्रवस्था का है, तो मास्टर्स की तरफ जाना चाहते हैं यानी कि प्रोफेसर्स हैं, इस तरह का कोई एग्जाम देता है, तो वहां पर गुरु पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं आपको। और एक आध्यात्मिकता का, एक कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, और वक्रवस्था का गुरु नवम भाव के अंदर, जो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों में, यानी कि आप अगर बाहर जाकर भी इस तरह का कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी परिस्थिति है आपके लिए, उसमें आगे बढ़ा जा सकता है, उसमें कोई घबराने की स्थिति नहीं है। और यहाँ पर मैं एक ही चीज कहूंगी कि स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन आपके लिए कुछ अलग रहेगी, यानी कि मोस्ट ऑफ कुछ अच्छे कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और वहां पर आप कुछ अच्छे कार्य के साथ जुड़ भी पाएंगे, कुछ आध्यात्मिक यात्राओं का भी योग बनता है। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल यात्राएं करवाता है। पर बुध की दृष्टि काफी नीचस्थ अवस्था पे होने की वजह से मैं कहूं कि कभी कभी छोटे छोटे आपके मन के अंदर आध्यात्मिकता को लेकर भटकाव भी आ सकते हैं, मगर अपने आप को स्थिर बना के रखिएगा तो कोई डरने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव में राहु है। कार्यस्थल में आपकी आप किसी पर भी विश्वास करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राहु जब होते हैं तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है, लोग आसपास के काफी, मैंने देखा है कि जेलसी क्रिएट होती है लोगों में, पॉलिटिक्स होती है जो जहां पर भी ऑफिसेस होते हैं। अगर कोई चेंज करना चाहते हैं जॉब के अंदर या कुछ भी, तो बहुत अच्छी परिस्थिति है आपके लिए। मंगल आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। मंगल जो है वो दशमेश होकर 11वें स्थान में लाभ के, अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में है बहुत अच्छी परिस्थिति रहती है। फूड बिजनेस के अंदर भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं। और एक चीज मैं कहूँ कि कोई भी अथॉरिटेटिव पोजिशन पे है तो आप बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। लोगों पर भरोसा करने से मैं बेहतर कहूंगी कि बहुत ज्यादा ऐसा ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पर कर नहीं चलना चाहिए। जब भी इस तरह का राहु होता है आपके लिए गेन्स काफी अच्छे बने हुए हैं। आप अपने कार्य को जितना मजबूत रखेंगे उसका रिजल्ट आपको डेफिनेट प्राप्त होता है, और ये जो भी कार्य करेंगे वहां लाभ आपके लिए क्रिएट होता है। तो मेरे हिसाब से न्यू अपॉर्चुनिटीज भी अगर आपको प्राप्त होती है तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। कोई बदलाव है उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ा जा सकता है। तो कोई भी नया इनिशिएटिव है तो वो एक्सेप्टेबल है, वहां पर कोई ऐसी डरने की स्थिति नहीं है कि ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11वें स्थान का अधिपति शुक्र बनकर आपके सेकंड हाउस को आपके एक तरह से फाइनेंशियली गेन देते हैं आपको। जो भी आप कार्य करेंगे लाभ भी आपके लिए फाइनेंसिस क्रिएट करते हैं, और मंगल एक तरह से बहुत शुभ है अभी आपके लिए। बहुत लोगों के साथ जुड़कर कैसे कार्य करना, और आप एक तरह से जो आप आसपास के एनवायरमेंट को जज कर पाएंगे, और डिसीजन लेने में भी आपके लिए काफी एक तरह से सपोर्टिव बेस रहेगा कैसे डिसीजन लिया जाए। बाकी फाइनेंशियली आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है ये। स्पेशली मैं कहूंगी कि अगर कर्क लग्न है तो अगर मेडिसिन के अंदर है, डॉक्टर में है, तो उनके अंदर मेडिसिन का बिजनेस भी करते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर है, उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। और ये राहु आपके लिए और भी अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट करता है, और मंगल अभी जिस प्लेसमेंट में है तो फाइनेंशियल गेन आपको डेफिनेटली बनते हैं। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस का अधिपति थर्ड हाउस में जाएंगे, और थर्ड हाउस इनिशिएटिव्स का है, साथ
साहस का है तो साहस में वृद्धि है, कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो वहां पर भी सपोर्टिव है। वक्र अवस्था में होने की वजह से मैं कहूंगी कि फाइनेंसिस पे काफी कंट्रोल रहेगा आपका, क्योंकि एक तरह से बुध के ऊपर गुरु का पूर्ण रूप से दृष्टि है। भले ही वक्र अवस्था में होने पर भी ये आपको पॉजिटिविटी देते हैं, यदि फाइनेंशियली आप अगर विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। जो स्ट्रेस आप ले रहे थे कि कुछ चीजों में अनिर्णय की स्थिति थी, तो अब डिसीजन मेकिंग तक आप पहुंच पाएंगे। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड काफी अच्छे लाभ हैं। अगर स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं तो परिस्थिति आपके लिए पूर्ण रूप से सपोर्ट करती है, तो बहुत ज्यादा घबराने वाली स्थिति नहीं है। कोई भी लीगल मैटर है तो वहां पर बहुत शांति बना के रखिएगा, डरने वाली कोई स्थिति नहीं है। मगर वक्र अवस्था का बुध है, बहुत रिएक्टिव लैंग्वेज का यूज मत कीजिए। बाकी अगर शांति से हैंडल किया जाए तो वहां पर भी आपको ये वक्र बुध की वजह से काफी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। मानस ये सब चीजों के साथ मैं एक ही चीज कहूंगी कि एक मानसिक स्ट्रेस लेने की प्रवृत्ति आपकी डेफिनेटली होगी, क्योंकि गुरु भी वक्री है, शनि भी वक्री और बुध भी वक्री है। और कर्क लग्न वालों के लिए चंद्रमा जैसे जैसे भ्रमण करते हैं वक्र ग्रहों के साथ, तो वहां पर स्ट्रेस देते ही देते हैं। तो खुद को बहुत ज्यादा विचारशील बनाने से आपको बचना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग के अंदर आपको नहीं जाना चाहिए। स्ट्रेस से दूर रहिए और खुद से कोई भी चीज को बहुत ज्यादा सोचने की टेंडेंसी से आपको बचना है। वहां पर आप अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। बाकी कर्क लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं, मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। परिस्थितियों को देखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।